आज हम सीखेंगे हरूफ-ए-लीन के हरूफ-ए-लीन कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उन्हें किस तरह पढ़ा जाता है। हरूफ-ए-लीन दो होते हैं, वाव और या। और याद रहे, हरूफ-ए-लीन को हम बगैर खींचे नरमी के साथ पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम वाव-लीन सीखेंगे कि वाव-लीन क्या होता है। याद रहे, जब वाव साकिन से पहले जबर आ जाए तो वाव-लीन होगा। किस तरह? जैसे बा वाव जबर बउ, बा वाव जबर बउ, खाउ फिन। अब यहाँ पर खौ वाव जबर खाउ, वाव साकिन से पहले जबर है हर्फ के ऊपर। किस तरह पढ़ेंगे? खाउ फिन। इसके बाद है फाउ कौ, अब यहाँ पर भी फा वाव जबर फाउ, यानी कि वाव साकिन से पहले जबर है। किस तरह पढ़ेंगे? फाउ कौ। के बाद है तौ बतन, यहाँ पर भी ता वाव जबर तौ पे वाव लीन का कायदा हो रहा है, तब किस तरह पढ़ेंगे? तौ बतन। तो आप भी इस तरह प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके भी मखारिज में इसी तरह बेहतरी आ सके। और इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए यूटीवी टीचर के पेज को फॉलो करें। हम सीख रहे हैं हरूफ-ए-लीन। पिछले वीडियो में हमने वाव-लीन को पढ़ना सीखा कि वाव-लीन को किस तरह पढ़ा जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि या-लीन क्या होता है, उसको किस तरह पढ़ते हैं। तो याद रहे, या साकिन से पहले जब जबर हो तो या-लीन का रूल अप्लाई होगा। जैसे इसकी मिसाल है बा या जबर बई, या साकिन से पहले जबर है। अब इसकी मिसाल है जैसे रोई शिन, अब रो या जबर रोई, या साकिन से पहले क्या है? जबर है रोई, रो या जबर रोई पे या-लीन का कायदा हो रहा है रोई शिन। इसके बाद है अलैही, अलैही, अब यहाँ पर लाम या जबर लई पर यालीन का कायदा हो रहा है। देखिए या साकिन से पहले जबर आ रहा है तो यहाँ पर यालीन का कायदा हो रहा है कुरैशिन अलैही। आप भी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके भी मखारिज में इसी तरह से बेहतरी आ सके। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए क्यूटीवी टीचर के पेज को फॉलो कीजिए।